पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। राजस्व भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, आज एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने विभाग में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए नई पहल की है, बड़े बयान देते नजर आए हैं और साफ कहा है कि अब विभाग में हर काम समय सीमा के भीतर होगी, किसी भी काम में विलम्ब नहीं किया जाएगा। साथ ही विभाग में जो भी कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, सब पर नकेल कसने का काम किया जाएगा। तो वहीं बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि जून के महीने में 10,000 नए कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा और ये नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा स्वयं नए कर्मचारियों को दिया जाने वाला है। आपको बता दें, दिलीप जायसवाल विस्तार से बताते नजर आए हैं किस तरीके से विभाग में जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसे कैसे कम किया जाएगा, जो काम होता था उसमें जो देरी हो रही थी कैसे सारे काम को समय सीमा के भीतर किया जाएगा, सब कुछ विस्तार से बताते नजर आए हैं मंत्री दिलीप जायसवाल। क्या कुछ कहा है, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। क्योंकि जब कोई भूमि का वाद विवाद होता है तो सीओ का न्यायालय होता है, न्यायिक व्यवस्था होता है, एलआरडीसी का होता है, एडिशनल कलेक्टर का होता है, कलेक्टर और कमिश्नर सभी के यहाँ किसी भी वाद विवाद की सुनवाई होती है। तो देखा जाता था कि निचले स्तर पर सीओ एलआरडीसी के यहाँ कोई भी मामला 6-6 महीना 1-1 साल तक लंबित है और लोगों का शिकायत होता था कि हमने सीओ के यहाँ शिकायत तो किया है, एलआरडीसी के यहाँ अपील तो किया है, लेकिन अभी तक 6 महीना में हमको कोई न्याय नहीं मिला है। और न्याय में देर होने के कारण वाद विवाद होता है और लॉ एंड ऑर्डर तक की समस्या भी उसमें पैदा होती है। तो हमने फैसला लिया है कि जितने भी न्यायिक व्यवस्था हमारे यहाँ पर सीओ, एलआरडीसी, एडिशनल कलेक्टर, कलेक्टर एंड कमिश्नर, जिस दिन बाद उनके पास सुनवाई के लिए आएगा और जब तक सुनवाई चलेगा, प्रत्येक दिन उनको पोर्टल पर सारी सुनवाई का डिटेल डालना होगा और जिस दिन न्यायिक प्रक्रिया के तहत वो उसका ऑर्डर करेंगे, जिस दिन ऑर्डर करेंगे उसी दिन शाम तक उस ऑर्डर को पोर्टल पर डालना होगा। ऑर्डर में जब आदेश में जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, तो जब ऑर्डर को पोर्टल पर डालने में लेट होता था तो उसी समय भ्रष्टाचार पनपता था। तो हमने फैसला ले लिया है और 90 दिन में कोई भी अपील का निष्पादन करना के लिए सख्त निर्देश यहां से चला गया है और हमने इसको अपने रेगुलेशन रूल्स में भी डाल दिया है कि 90 दिन में आपको किसी भी वाद विवाद का निष्पादन करना होगा। तो ये व्यवस्था हम लोगों ने किया है और आम लोग भी अब पब्लिक डोमेन पे अब सारा चीज उपलब्ध रहेगा। सबसे बड़ी समस्या क्या होती थी कि अगर सीओ ने किसी अपील का सुनवाई किया और उसने उसका ऑर्डर किया, उसके नकल लेने के लिए 1-1 महीने 2-2 महीने उनको उनके कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर आपने देखा कि अभी कैबिनेट ने इसको पारित कर दिया और हमें सारा व्यवस्था देने के लिए कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी। अब किसी को भी अपना ऑर्डर, चाहे किसी भी न्यायिक व्यवस्था के तहत सीओ, एलआरडीसी, एडिशनल कलेक्टर, कलेक्टर के न्यायालय का हो, उनको अब उसका सर्टिफाइड कॉपी डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा, जैसे वो अप्लाई करेंगे तो उनको डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा वो सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त हो जाएगा। यानी अब किसी न्यायालय का चक्कर लगा करके उनको सर्टिफाइड कॉपी के लिए या नकल लेने के लिए कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ एक जो सबसे बड़ी समस्या थी कि समाहर्ता एवं परमंडलीय आयुक्त, कलेक्टर एवं कमिश्नर के राजस्व न्यायालय का कोई पोर्टल पर अभी तक जो है सुनवाई का डिटेल नहीं डाला जाता है। ये अभी एडिशनल कलेक्टर तक हमने किया है। हमने फैसला लिया है कि कलेक्टर और कमिश्नर भी जो अपने अपील की सुनवाई करेंगे, अब उनको भी पोर्टल पर उसको उनके कार्यालय को उस डालना है उस पर, जिससे कि पारदर्शिता बनी रहेगी। वहां पर आवेदन का निष्पादन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ
हमने दंड का जो प्रावधान हमारे यहां है उसका कड़ाई से अब पालन किया जाएगा। और करीब 3 दर्जन सीओ को, बिहार के 3 दर्जन सीओ को इसके लिए सजा की कार्रवाई शुरू हो गई है। और जो भी राजस्व अधिकारी, जो भी अंचल अधिकारी और जो भी भूमि अपर समाहर्ता जिनके स्तर पर किसी भी तरह का देर निष्पादन में होगा उनको तुरंत उस पर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कि 3 दर्जन पदाधिकारियों पर हमने 15 दिन के अंदर कार्रवाई शुरू कर दिया है। अंचल स्तर पर अभी भी बहुत सारे मामले लंबित हैं, क्योंकि पोर्टल पर सब कुछ दिखाई पड़ता है, पूरे बिहार में कितने लोगों ने म्यूटेशन के लिए अप्लाई किया, कितने लोगों ने जमाबंदी के लिए अप्लाई किया। तो मैं जब इस कुर्सी पर बैठा तो मैंने पहला दिन कह दिया कि ये मंत्री का कुर्सी भ्रष्टाचार नहीं करेगा। मंत्री अगर ईमानदार होंगे, मंत्री का कुर्सी अगर ईमानदार होगा तो हम तभी ईमानदारी की बात करेंगे। तो मैंने तो अपने लिए कहा कि मैं इस कुर्सी को जब तक हूं इस कुर्सी पर दाग नहीं लगने दूंगा और किसी भी भ्रष्टाचारी पदाधिकारी को बख्शूंगा भी नहीं, किसी भी सूरत में नहीं बख्शूंगा, चाहे उसका कितना भी बड़ा अप्रोच हो, चाहे किसी के द्वारा उसके लिए पैर भी किया जाए, वैसे कर्मचारी और वैसे अधिकारी पर कार्रवाई होगा। और ये कार्रवाई शुरू हो गया है, वो सारा सूची हम आप लोगों को भी उपलब्ध कराएंगे, 3-4 दिन के अंदर उपलब्ध कराएंगे। अब जो एक सबसे बड़ी बात है कि आए दिन बिहार में जमीन माफिया के द्वारा जो ओरिजिनल जमीन के मालिक हैं उनको तंग तबाह किया जाता है, उसकी हत्या की जाती है। और अभी एक हत्या रुपौली विधानसभा में भवानीपुर में गोपाल यादव का हुआ, नकली केवाला का एक बहुत बड़ा रैकेट बिहार के अंदर 2-3 वर्षों से बहुत ही सक्रिय हो गया है। 50 साल 100 साल पहले का केवाला का जो है और एकदम सेम टू सेम उसी हैंडराइटिंग में और उसी तरीके से कोई टेक्निकल एक्सपर्ट है जो आपको 100 साल पहले का भी केवाला उसी सारे सेम हैंडराइटिंग एंड सेम स्टाइल में निकाल देता है। अब 100 साल पहले का 50 साल पहले का कोई केवाला ला करके और हमारे राजस्व कार्यालय में देता है कि इसका म्यूटेशन कराएंगे, तो म्यूटेशन करने के पहले जब निबंधन कार्यालय में पूछा जाता है तो निबंधन कार्यालय बताता है इसका रिकॉर्ड तो मेरे पास है ही नहीं, लेकिन वो पता लग जाता है कि नहीं इस नंबर का केवाला तो है, लेकिन केवाला के अंदर नाम और आधार सारा चीज चेंज हो जाता है उसमें। और अभी पूर्णिया में और विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में करीब 1 दर्जन नकली केवाला का मामला पकड़ाया है, जिसे इस नकली केवाला बनाने वाले रैकेट ने 20 लाख 30 लाख 25 लाख लेकर उस नकली केवाला को जनरेट किया है। तो ये नकली केवाला के रैकेट पर लगाम लगाने के लिए हमने अभी पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि अगर किसी का जमीन पर हक अपना दिखाता है तो 20 साल से पहले का कोई केवाला अगर लेकर आता है और 20 साल तक वो किसी तरह का म्यूटेशन पर जमाबंदी के लिए अप्लाई नहीं किया है, हमारा जमीन है और हम 20 साल तक सोए हुए हैं कि हम आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, लेकिन पहले जब नहीं होता था तो मैंने आदेश दिया कि 20 साल के ऊपर का जो भी केवाला बिना किसी राजस्व विभाग के सिस्टम में आए लेकर आता है तो पहले उसके एडिशनल कलेक्टर जांच करेंगे, जांच में जब वो उसके वाला सही पाया जाएगा तभी उनका जमाबंदी या म्यूटेशन होगा। ये एक नया आदेश कल हमने विभाग को दिया है कि ये आदेश जारी करें, जिससे कम से कम इन तरह के माफिया पर लगाम लगाया जाएगा। और हत्या का दौर जो जमीन माफिया के द्वारा बिहार में शुरुआत बहुत दिनों से किया गया है, ये हत्या का दौर भी थमने में बहुत इसका मदद मिलेगा। बीस साल से पुराना केवाला लेकर कोई एकाएक आता है, 20 साल से पुराना केवाला लेकर कोई एकाएक आता है और 20 साल इस बीच में जब वो बोलता है कि हमने जमीन खरीदा 50 साल पहले 40 साल पहले और 50 साल से वो राजस्व कार्यालय में नहीं आया है म्यूटेशन कराने ना दाखिल खारिज कराने,
तो कहीं ना कहीं उस पर शक करने की आवश्यकता है कि भाई ये 50 साल से क्यों नहीं आया राजस्व कार्यालय में म्यूटेशन करने या अपना मलकियत दिखाने के लिए। एकाएक 50 साल में इसका सपना टूटा और ये राजस्व कार्यालय में आ गया, जो नकली केवाला का मामला है इसी तरह का मामला है। इसीलिए हमने फैसला लिया कि इस तरह के केवाला का 20 साल से ऊपर का कोई पुराना केवाला लेकर अगर अपना मलकियत दिखाने के लिए राजस्व कार्यालय में आता है तो उसकी जांच एडिशनल कलेक्टर करेंगे, तभी उसका म्यूटेशन या जमाबंदी होगा।